हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम अश्विनी गोस्वामी है। मैं आज आपको 4,405 करोड़ रुपए से बनने वाले दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B पर लेकर के चल रहा हूँ। मैं इस वक्त शाहदरा के गोल चक्कर पर हूँ और ये लोनी रोड है, और यहीं से ही पुराने दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे की शुरुआत होती थी। आप देख सकते हैं कि रोड की यहाँ पर क्या स्थिति है। मैं इसके बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो इस विषय में आप सिर्फ मेरे वीडियो को देखते रहिए, आपको खुद स्थिति का पता चल जाएगा कि रोड की स्थिति क्या है। लेकिन मैं इसके अलावा कुछ और बात करना चाहता हूँ। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पहले जो पुराना दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे था, वो यहीं से शुरुआत होती थी गोल चक्कर से। लेकिन अभी इसका प्रोविज़न चेंज करके अब ये शुरू होगा दिल्ली के अक्षरधाम से, जो नेशनल हाईवे 24 है, जो अब नेशनल हाईवे 91 बन गया है। तो अक्षरधाम से शुरू होता हुआ गीता कॉलोनी को पार करता हुआ खजूरी से फिर ये जाएगा मंडोला, मावी कला, लोनी वगैरह होते हुए और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जा कर के मिलेगा। मैं इस वक्त इंदिरापुरी शायद जगह होगी ये वाली, उसके आसपास पहुंच चुका हूं और मैं उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुका हूं। मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं, दिल्ली NCR की अगर कोई सबसे बदतर स्थिति में अगर कोई रोड हो सकती है तो ये वाली रोड है। मैं आप भी घूमते होंगे, मैं भी बहुत जगह वीडियोज़ बनाता हूँ, लेकिन इतनी बुरी हालत में मैंने कोई रोड नहीं देखी। और अभी फ़िलहाल तो ये अभी कुछ साल से ही नेशनल हाईवे के पास गया है, लेकिन इसका कुछ पार्ट अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कुछ पार्ट इसका MCD के पास है, कुछ पार्ट इसका गाज़ियाबाद नगर निगम के पास है, और जैसे मैंने बताया कुछ पार्ट इसका अभी भी स्टेट हाईवे के पास है, लेकिन मेजॉरिटी जो हिस्सा है इसका वो नेशनल हाईवे के पास है। लेकिन इससे बदतर स्थिति में मैंने आज तक कोई रोड देखी नहीं अपने जीवन के अंदर, जो इस पर्टिकुलर जगह पर स्थिति है रोड की। तो मैं लोनी पहुंच चुका हूं, ये गाज़ियाबाद का क्षेत्र पड़ता है, और आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या स्थिति है ट्रैफिक मैनेजमेंट की। आप देखिए, बेसिक एडिकेट्स की बहुत कमी है, बहुत ज़रूरत है मुझे लगता है इंडिया के अंदर। ड्राइविंग सेंस होनी बहुत ज़रूरी है। ये फ्लाईओवर बहुत साल से बंद पड़ा है, शायद मुझे लगता नहीं इसका कुछ इस्तेमाल भी होगा। तो गाइज, मैंने लोनी पार कर लिया है, लेफ्ट हैंड साइड पर मेरी ट्रॉनिका सिटी है। तो जैसा कि मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि इसकी जो लागत है पूरी एंटायर प्रोजेक्ट की, वो करीब 4,405 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन उसमें जो मेजर हिस्सा जाता है, जो मेजर एक्सपेंस है, वो जाता है अक्षरधाम से लेकर के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को बनाने में। अब वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 2800 करोड़ रुपये आसपास सिर्फ अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक का हिस्सा बनाने में लगेगा, क्योंकि उसमें करीब 14-15 किलोमीटर का पार्ट 6 लेन्स का एलिवेटेड है। ये मैं खेगड़ा पहुंच गया हूं। खेगड़ा में यार एक बहुत ही फेमस चाट वाला है, अभी आगे लेफ्ट हैंड साइड पर मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूं, बहुत ही अच्छी चाट बनाता है, कभी आप आए तो उसे जरूर खाइएगा। संजय कश्यप फ्रूट चाट वाला, रेट 25 रुपये। जबरदस्त वाली, तो गाइज हम लोग पहुंच गए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। यहीं तक फेज वन है, फेज टू की शुरुआत यहां से होती है, और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से लेकर के शामली बाईपास तक फेज टू है। तो यहाँ पर तो मुझे रोड कुछ चौड़ी होती नज़र आ रही है, काम यहाँ पर तो चल रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कोई विलेज आ गया है, रास्ता बहुत ख़राब है यहाँ का। काठा, शायद काठा गांव है ये। मैं शायद कुछ महीने पहले आया था, तब भी यही पोजीशन थी यहाँ पर, अभी भी यही पोजीशन है। खैर एनीवेज, आप रोड को देखते रहिएगा, मैं आपको जो बात है वो बताता रहूँगा अपनी, और बीच बीच में अगर कोई जगह मुझे पता लगेगी कि भाई ये कौन सी जगह, जो मुझे मालूम होगी उसके बारे में भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि मैं अभी कोई लीडिंग न्यूज़पेपर है उसके अंदर मैं पढ़ रहा था, और जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि जो मेजर जो कॉस्ट है इसकी वो फेज़ वन की है,
जो करीब 2800 करोड़ रुपए की है, जो उसमें करीब 14-15 किलोमीटर का पार्ट एलिवेटेड है और अक्षरधाम से लेकर के वो आती है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को तक जोड़ती है वो, तो वो एक्चुअली है 6 लेन्स की। तो कॉस्ट कम करने के लिए शायद उसको 4 लेन्स का बनाया जा रहा है जहाँ तक मैंने सुना है, तो उससे 2100 करोड़ रुपये की बचत होगी। मेरे ख्याल से वो रीज़नेबल भी है क्योंकि 4 लेन्स भी अगर वो एलिवेटेड है तो मोर देन सफिशेंट है इस लोड को उठाने के लिए। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि ये जो नया प्रोविज़न है वो अक्षरधाम से शुरू होता है, तो जो लोनी के क्षेत्र के लोग, इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि जो शाहदरा के लोग हैं रहने वाले और जो ईस्ट ऑफ ये लोनी रोड को जो इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए कोई उसमें कुछ मुझे स्कोप नज़र नहीं आ रहा कि उनको कुछ उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अभी भी जो लोनी रोड है उसको अलग से कुछ प्रोविज़न बनाना पड़ेगा ठीक करने के लिए। तो ये मैं शायद बागपत आ गया हूँ, और बागपत, हाँ जी बिल्कुल बागपत आ गया हूँ मैं, और यहाँ से आप राइट जाएंगे तो आप मेरठ पहुँच जाएंगे, और आगे से लेफ़्ट लेंगे तो आप शायद सोनीपत के लिए रास्ता जाता है। तो यहाँ भी स्थिति ऐसे ही है, आप देख रहे हो कि मुझे बड़ा दुख होता है जान करके, देख करके कि यार बेसिक चीज़ होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक चीज़ है किसी भी डेवलपमेंट के लिए, कोई भी इंडस्ट्री आएगी, कोई भी कुछ आप सोचिए, कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री आती है तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के वो आ ही नहीं सकती। तो यही हालत है, और शायद ये मुझे लगता है कुछ कलेक्ट्रेट वगैरह आ गई है बागपत की, तो यहाँ तो रोड ठीक हो गया है, बट मुझे लगता है ऐसे चलता रहेगा शायद जहाँ तक मुझे लगता है। पहले भी मैं अभी कुछ महीने पहले आया था, कुछ जगह पैच होंगे, कुछ जगह फिर ठीक हो जाएगा, फिर पैचेस होंगे, फिर ठीक हो जाएगा, शायद ऐसे चलता रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो गाइज मैं बड़ौत पहुँची हूँ, और बहुत ख़राब रास्ता था, इनफैक्ट आप यकीन मानिए मेरी गाड़ी की हालत ख़राब हो गई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना घटिया रास्ता होगा। मैं 1 साल नहीं आऊँगा कम से कम, जब तक ये प्रॉपर बन नहीं जाएगा रोड, मैं इस रोड पे अब कभी नहीं आऊँगा। आप चाहे कितनी भी बार मुझे बोल दें कि अश्वनी आप प्लीज़ इसके लिए वीडियो बना दो दिल्ली सहारनपुर के लिए, मैं अब नहीं बनाऊंगा इसका, ये मेरा लास्ट वीडियो है। अब जब तक कि पूरा रोड तैयार नहीं हो जाएगा तब तक इस रोड पर मैं नहीं आ सकता। भाई मेरी गाड़ी की हालत ख़राब हो गई है, इतना टूट चुका है रोड जगह 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 जगह। मुझे अब आज वापस जा करके कल मुझे अपनी गाड़ी की सर्विस भी करानी पड़ेगी। ये कोई मेला वगैरह लग गया है यहाँ पर लगा हुआ है, अच्छा लगता है मेला यार, देखते हैं बच्चों को खेलते हुए झूलते हुए, इट लुक्स वेरी नाइस। यहाँ पर जो एक्सकेवेशन हो रहा है ये ड्रेनेज सिस्टम के लिए हो रहा है, जिसको नाले हम लोग बोलते हैं, नाले बनाए जा रहे हैं। मैं अभी जो आपको ये क्लिप दिखाऊंगा ये बिल्कुल अनकट है, और मैं इसमें कोई एडिटिंग नहीं करूंगा। मैं आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा एंटायर रोड किस तरीके का है। ये मैं इस वक्त दूसरे गियर पे चल रहा हूँ, और मैंने ये लगाया तीसरा गियर, और अब ये लगाया मैंने चौथा गियर,
और चौथा लगाने के बाद में अभी लगाया है मैंने पांचवा गियर। अभी पांचवा गियर मैंने लगाया, अब मुझे ब्रेक मारना पड़ गया है। ये सामने मैंने ब्रेक मार दी है, दोबारा अब मैं सेकंड गियर पे आ गया हूँ। अब इतनी ख़राब रोड है कि मैं यहाँ पे सेकंड गियर पे ही मुझे चलना पड़ेगा, और मैं इसको बिल्कुल एडिट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल एज इट इज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको कि पूरी एंटायर रोड की आज की तारीख में स्थिति क्या है। अब ये पूरा पैच टूटा हुआ है, आप देखते रहिए, और ज़रा मैं इसको पार कर लूँ। ये अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है वाला पैच, और ये मैं चढ़ गया हूँ दोबारा से रोड के ऊपर जो बन चुकी है, और मैंने लगाया है ये तीसरा गियर, और ये लगाया अब मैंने चौथा, और अब मैं ये लगाया मैंने अब पांचवा गियर। पाँच बजे तक चल रही है गाड़ी अभी ये, और अब मुझे दोबारा ब्रेक मार दिए मैंने, दोबारा मैंने दूसरा गियर लगा दिया गाड़ी का, और फिर दोबारा मैं सेकंड गियर पे चलूँगा। तो पूरा एंटायर सीन यही है कि मैं पांचवे गियर पे एक मिनट भी नहीं चल पाता। पुलिस चौकी ककड़ीपुर थाना रमाला जनपद बागपत। अरे बाप रे, क्या सड़क है भाई। शामली नगर पंचायत एलम शामली आपका हार्दिक स्वागत करता है। बस स्टैंड 400 मीटर कांदला 7 शामली 23 किलोमीटर है भैया। वेरी गुड। तो गाइज़ मैं आ गया हूँ शामली, और यकीन मानिए बड़ौद से लेके शामली तक की हालत और भी ज़्यादा टाइट है। शामली काफ़ी बड़ा कस्बा है और छोटी सिटी बोल सकते हैं आप इसको, कस्बे कस्बा तो बहुत छोटी जगह होती है, कस्बे से बहुत बड़ा है। और ये सामने शामली का इंडिया गेट आ गया है, यहाँ से आप जाएंगे तो शायद आप मुजफ्फरनगर पहुँच जाएंगे, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। ये जो राइट साइड पर जा रहा है रास्ता, लेफ्ट चल रहे हैं हम लोग सहारनपुर के लिए। तो यहाँ से साहब सहारनपुर रह जाता है करीब करीब 61 किलोमीटर्स, और हरिद्वार 135 किलोमीटर है। गाइस अगर आप मेरे दोनों ओर देखेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पर, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे रिसेंटली अभी काम शुरू हुआ है और बड़ा इनिशियल लेवल पर है। अभी तो यहाँ पर रोड को वाइडन करने के लिए JCB काम कर रही है। भाई आ गए जलालाबाद नगर पंचायत जलालाबाद, आपके आगमन पर हार्दिक आभारी, मैं आभार व्यक्त मत करो यार, इतना आभार करोगे तो भार मुक्त कैसे होऊंगा फिर मैं। आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइज़ हम लोग सहारनपुर पहुंच गए हैं। मैं पहली बार सहारनपुर आया हूं, शामली तक तो मैं 2-3 बार आया हूं पहले, कई साल पहले तक, लेकिन दिस इज़ माय फर्स्ट विज़िट टू सहारनपुर। और मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं कि मुझे सहारनपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर, सहारनपुर एज अ मतलब भी मैं पूरा एग्जैक्टली सहारनपुर पहुँचा भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे फील आ रही है कि ये जगह बड़ौद बागपत शामली से फार बेटर है, फार बेटर, आई मस्ट एडमिट दिस। क्योंकि आपको एम्बियंस पता चल जाता है, कहीं भी आप जाते हैं पता चल जाता है किस तरह का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आई रियली 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 अप्रिशिएट कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है, साफ़ सुथरा भी है। आप देखेंगे गंदगी वंदगी ज़्यादा नहीं है सहारनपुर के अंदर। पहली बार मैं आ रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं रुड़की जैसे कैंट है ना,
या फिर आप किसी और कैंट एरिया में चले जाते हैं, उस तरह की मुझे फीलिंग आ रही है। तो गाइज जैसा मैं बता रहा था आपको, इसके तीन फेजेस हैं, चार भी बोल सकते हैं आप, लेकिन मैं तीन में कट कर रहा हूँ उसको। पहला फेज़ है अक्षरधाम से लेकर के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक, फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से लेकर के शामली बाईपास तक, और फिर शामली बाईपास से लेकर के सहारनपुर बाईपास तक। तो हम लोग प्रॉपर सहारनपुर पहुँच गए हैं और वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। लेकिन जाने से पहले दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़, मैं अभी एक साल से पहले नहीं आने वाला इस रोड के ऊपर। दूसरी चीज़, सहारनपुर मुझे बहुत अच्छी जगह लगी। और इनफैक्ट तीसरी चीज़ और मैं बता दूं, मैं आपको टिप देना चाहता हूं। टिप बड़ी छोटी सी है। अगर आपने किसी की कार मांगी है, सपोज़ आपने हायर की है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो कार का जो पेट्रोल डीजल डलता है उसका जो लेड है वो किस तरफ है? आपको पता होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, राइट हैंड साइड पर होता है। तो मैं आपको बड़ी छोटी टिप देने वाला हूँ आज। आपको कार में बैठे बैठे पता चल जाएगा कि आपको पंप के किस साइड अपनी गाड़ी लगवानी है फ्यूल डलवाते वक्त। तो ये मेरी कार का आप स्पीडोमीटर बोल सकते हैं इसको, और मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको। ये फॉक्सवैगन की कार है और आपको पता करना है कि आपको किस तरफ इसका फ्यूल टैंक है, जो इनलेट होता है, ऐसे पता चलता है। आपको एक ही फ्यूल पंप का निशान बना हुआ नज़र आ रहा होगा और इसके साथ ही एक एरो बना हुआ नज़र आ रहा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो एरो है तो इसका मतलब मेरा फ्यूल इनलेट राइट हैंड साइड पर है। ऐसे ही ये मारुति सुजुकी सीएस का ये स्पीडोमीटर है। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से कैसे पता चलेगा। तो आपको कार से बाहर उतरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने किसी कार बोरो की है तो आपको कार में बैठे बैठे पता चल जाएगा। ये आपको निशान नज़र आ रहा है, ये निशान आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर जा रहा है। मेरी कार का राइट हैंड साइड पर था, ये लेफ्ट हैंड साइड पर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका फ्यूल लेट लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो गाइज यही एक छोटी सी टिप थी मेरी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। और इस टिप के साथ साथ मेरा वीडियो भी ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। लेकिन मेरा कंक्लूजन क्या है? बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 2 साल लगेंगे इसको बनने में, कम से कम 2 साल सब कुछ ठीक ठाक रहा। तो थैंक यू वंस अगेन गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय।